मास्टर गोविंद, अजीब शक्ति की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गार्डन से वो हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत टाइम हो गया, मैंने सोचा कि उनके गाइडेंस हमने लिया ही नहीं, और ऐसा लगा कि कुछ लोगों को शिव शक्ति की तरफ से गाइडेंस चाहिए, तो मैंने सोचा उनके गाइडेंस ले लेते हैं। आप सोचते बहुत ज्यादा हो लेकिन करते कुछ नहीं हो, ज्यादा सोचते हो कम करते हो, मेहनत कम करते हो। अगर इस एनर्जी में रहोगे तो आपको जो लाइफ चाहिए, जो ड्रीम लाइफ आप चाहते हो, वो कभी भी नहीं मिल सकता है। यही सच है, सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए कदम बढ़ाना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए, चाहे जितना भी छोटा स्टेप क्यों ना हो लेकिन कुछ स्टेप तो लो। आपकी पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, और वो भी 7 महीनों में। कुछ लोगों के लिए 7 वीक्स भी हो सकता है, और ये अनएक्सपेक्टेड चेंज, आप कहोगे कि ये मेरी जिंदगी है, ये मैं जी रही हूँ, ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। आप शॉक्ड हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये आपकी ही जिंदगी है और ये सब कुछ आपको मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा तो वेट आपको करना ही होगा। आपकी जिंदगी में जो चल रहा है इस समय, जो टेंशन, जो परेशानियां, वो काफी ज्यादा है, नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए कम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ज्यादा है, मैक्सिमम लोगों के लिए ज्यादा है, तो उससे निकलना चाहते हैं आप। सक्सेस चाहिए आप, मतलब सक्सेस जितना मिले ना मिले, सक्सेस से ज्यादा आपको इस परेशानी से आप निकलना चाहते हो। तो आप सिर्फ परेशानी से निकलेंगे नहीं, 7 हफ्ते में या 7 महीनों में आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एक अलग दुनिया में जीने लगोगे आप। खुद हैरान रह जाओगे कि ये आपकी जिंदगी है, और ये बदलाव कोई और नहीं लाएगा, आप ही लाओगे। आपके फैमिली में कुछ इशू चल रहा था कुछ टाइम से, किसी का हेल्थ खराब था, हेल्थ इशू था, तो इसीलिए आप किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। तो अब वो चीज, मतलब जो इशू था, वो खत्म होने वाला है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और इस समय आपको कहा जा रहा है कि ये आपके लिए हीलिंग पीरियड है, खुद को हील करें, आगे बढ़ना है ना आपको। तो जो भी नेगेटिविटी इतने टाइम से था, उसको रिलीज करना है, खुद को प्रिपेयर करना है, खुद को हील करें, थोड़ा सा टाइम दे खुद को, खुद को हील करें, खुद को पैम्पर करें। अब दूसरों को बहुत ज्यादा फॉलो करते हो, शिव शक्ति आपसे कह रहे हैं कि दूसरों को फॉलो करना बंद करो, बहुत हुआ, न्यू क्रिएट करो खुद का, जो आप कह सकते हो कि नहीं, ये क्रिएशन मेरा है, मैंने क्रिएट किया है। सबके पास स्किल है, टैलेंट है, सब कुछ है, तो आप दूसरों को फॉलो क्यों कर रहे हो, कार्बन कॉपी क्यों बन रहे हो? दूसरों को फॉलो करना बंद करें, आज से ही, अभी से ही। आपके अंदर कुछ ना कुछ गिफ्ट तो जरूर है, उसे शो करें।
अपनी आवाज को, अंदर की आवाज को दबा रहे हो, सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। आप दूसरों से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो और खुद के अंदर जो टैलेंट है, जो गिफ्ट है, उसे आप ब्लॉक करके रखे हो। आपके अंदर वो पावर है, वो पोटेंशियल है, वो क्रिएटिविटी है, एक लीडरशिप एनर्जी है, लेकिन जब तक आप दूसरे लोगों को फॉलो करोगे तो आप अपनी जिंदगी जी नहीं पाओगे, वो अचीव नहीं कर पाओगे जो आप डिजर्व करते हो। दूसरे लोगों को फॉलो कर रहे हो ना, वो उसकी जिंदगी है, उनकी जिंदगी है, वो उनमें माहिर है, वो चीज उनके लिए बना है, वो उनका टैलेंट है, वो उनका स्किल है। इसे समझने की कोशिश करें आप। हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, उसके पीछे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट नथिंग। आपके अंदर जो आवाज़ आ रही है अंदर से, मतलब आपकी इंट्यूशन, आपकी जो इनर वॉइस आपसे कह रही है, उसे समझने की कोशिश करो, नहीं तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। और ये कोई नेगेटिव मैसेज नहीं है, पॉजिटिव है। अगर ये नहीं कहूँगी तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, आप खुद को नहीं बदलेंगे। शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए स्पेशल एडवाइस यही है कि भरोसा करना सीखो। आप भरोसा नहीं करते हो, किसी दूसरे के ऊपर छोड़ ही दो, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स के ऊपर छोड़ ही दो, खुद पे बिलीव नहीं है आपको, तो ये कैसे चलेगा? ये पॉसिबल नहीं है। बिलीव करना सीखो, खुद के ऊपर ट्रस्ट करो। आपको चारों तरफ डार्कनेस नजर आती है, क्यों? क्योंकि वो आप वही सोचते हो और वही दिखता है आपको और वही आप अट्रैक्ट करते हो। अच्छी चीजों की तरफ नजर नहीं है, आप देखते ही नहीं हो। अगर अच्छी चीजों की तरफ आप देखते हो फिर भी वही नेगेटिव थॉट लेके। आप जिस तरीके से देखते हो ना, ये दुनिया उतनी छोटी नहीं है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। छोटी छोटी चीजों पे कंप्लेन करना बंद करो। सबसे पहले ये चीज आप करो, स्पेशली रिलेशनशिप के लिए मैं बोल रही हूँ, वही एनर्जी आ रही है। आप छोटी छोटी चीज़ों पे कंप्लेन करते हो, ये नहीं है, वो नहीं है, अरे नहीं है, नहीं है, जो चीज़ नहीं है आप करो। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, आप क्रिएट करो। एक तरफ से कुछ नहीं होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आप थोड़ा आगे बढ़ो, वो भी आगे बढ़ेंगे। आप तो पहले शुरुआत करो, फिर देखो क्या होता है ना होता है, लेकिन आप तो बैठ जाते हो कंप्लेंस लेके, ये हो गया, वो हो गया, इसको देखो, उसको देखो, जिंदगी भर वही करते रहोगे। अगर अभी ये चीज अपने हाथों से नहीं संभाला तो खुशियों को अट्रैक्ट करो। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो। गुस्सा है वो तो आप मनाओ, ईगो क्यों दिखा रहे हो? रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप के लिए मैं बोल रही हूं, ईगो क्यों है? प्यार में कोई ईगो नहीं होता है। गुस्सा हो रहे हैं
तो आप मनाओ। अगर दोनों तरफ से ही वही चीज हुआ ना, तो रिलेशन टिकेगा नहीं, कभी भी नहीं टिकेगा। और एक चीज याद रखना, जोड़ने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है किसी चीज को संवारने में, तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, बिल्ड करने में, लेकिन टूटने में एक सेकंड भी नहीं लगता है। तो ध्यान दे, ईगो, गुस्सा, कंप्लेन करना छोड़ दो, एक बेहतरीन जिंदगी बनाओ। वो क्यों करेगा, आप करो ना। आप ऐसे सोचते हो, उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूंगी, उसने ही किया तो मैं क्यों करूंगा, उसको तो करना चाहिए था ना, उसने नहीं किया तो फिर क्या आपने किया वो चीज। दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले और चार उंगली अपने तरफ होती है, ये याद रखना हमेशा। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट इज अ बेनेवोलेंट यूनिवर्स। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। राधे राधे।